रिश्ता क्या कहलाता है कि नई शुरुआत हो चुकी है और सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट साफ साफ देखी जा सकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर्षद चोपड़ा, अभीरा जैसे कई हैशटैग्स लगातार ट्रेंड हो रहे हैं और इसी नई शुरुआत को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसे अटेंड किया हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौर और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रही। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया अभिमन्यु और अक्षरा की, पहले दिन से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक का, और ये किसी भी मूवी से कम नहीं था। हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर की, यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा की, एक फ्रेश स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नए शो की शुरुआत हो रही है और फैंस को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो हर्षद और प्रणाली दोनों व्हाइट में ट्विन कर रहे थे, इनकी जोड़ी मैजिकल लग रही थी। शो में तो इन दोनों को एक साथ आने में अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगी। राजन शाही के साथ भी इन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया। इसके अलावा मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए, एक बहुत ही खूबसूरत सी डांस परफॉर्मेंस भी इन्होंने दी नए टाइटल ट्रैक रूहदारियां पर। ये पहली बार है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस तरह का टाइटल ट्रैक इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों की डांस परफॉर्मेंस अमेजिंग थी। इसके साथ ही प्रणाली ने बताया कि जब वो सबसे पहले हर्षद चोपड़ा से मिली थी तो उनका क्या रिएक्शन था, देखिए प्रणाली राठौर का ये वीडियो। तो मैं तो अंकल जा, आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट, बट हम जब नर्वस होते हैं समझ आती है। हाँ, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो शो की ACH थी वो मुझे कहीं लेकर गई थी कि मुझे आपको किसी से मिलाना। मैं रूम में गई, मैं अपना समोसा खाते 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 जा रही थी कि पता नहीं किसने मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा और ये मैंने देखा।